नमस्कार साथियों, आज का विषय राइटिंग स्किल। आज इफेक्टिवली कैसे लिखा जाए, इस पर हम बात करने के लिए आए हैं। लेखन बिना सहजता के अधूरा, लेखन बिना सहजता के अधूरा, अर्थ और भाव उसे बनाते हैं पूरा। लेखन बिना सहजता के अधूरा, अर्थ और भाव उसे बनाते हैं पूरा। लेकिन चाशनी में जब मिलाते हैं उसे तब बन जाता है जो लेख कहते हैं उसे। लेकिन चाशनी में जब मिलाते हैं उसे तब बन जाता है जो लेख कहते हैं उसे। शब्दों को संभाल कर प्रयोग में लाओ। लिखो ऐसे जैसे कि तुम उसे गा पाओ। शब्दों का संगीत दिल के तार बजाए। दिल में एक उमंग और तरंग को ले आए। खिलखिलाते शब्द जब खनखन करते तभी हम उसको लेखन कहते हैं लेखन। राइटिंग स्किल। हमने प्रेजेंटेशन की बात करी थी कुछ दिन पहले। स्पीच की बात की थी, साथ ही ओरल कम्युनिकेशन की बात हमने इन दोनों विषयों में की। आज हम बात कर रहे हैं लिखने की, राइटिंग की। राइटिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे हम इफ़ेक्टिवली लिख सकते हैं, कैसे हम अपनी बातों को शब्दों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे हम शब्दों में जादूगरी पैदा कर सकते हैं, कैसे हमें एक लेख को शुरू करना चाहिए, कैसे उसका अंत करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब आज के सेशन में होने वाला है। ये सब आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ पुनः इस सेशन में, और आप सभी के लिए ये एक मौका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा सीख पाएँ और अच्छे से अच्छा आप जान पाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी भतीजी भी जुड़ गई है, खुशी, बहुत बढ़िया बेटा, आप भी जुड़े हो सेशन से, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप सभी का खैर मकदम स्वागत। और अब हम बात करने वाले हैं आज के विषय की। आज का विषय जो बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए, उस विषय पे हम बात कर रहे हैं। और लेखन की जब हम बात करते हैं, राइटिंग की जब हम बात करते हैं, तो साथियों राइटिंग दो प्रकार की होती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। एक तो वो लेख जो हम फॉर्मल सिचुएशंस के लिए लिखते हैं। फॉर्मल सिचुएशन से मुराद ये है कि जब हम ऑफिशियली लिखते हैं, यानी एक लिमिट के अंदर लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब हम इनफॉर्मली, यानी कि जब हम यार दोस्तों के लिए लिखते हैं और लोगों के लिए लिखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, बिल्कुल मुशर्रफ ऐसी वाणी बोलिए, तो ऐसी ही वाणी की ज़रूरत है। तो जब हम अपने यार दोस्त को, अपने मित्रों को, अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं, तो वो कहलाता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में हम कुछ कायदे कानून में बंधे हुए होते हैं। मैं आपको अंतर स्पष्ट करता हूं दो उदाहरण देकर। जब आप एक पत्र लिखते हैं डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, किसी भी संदर्भ में, तो वहां पर आप डीएम को ये नहीं लिखते, हेलो सर, हाउ आर यू एंड आई एम फाइन, होप द सेम फॉर यू, ऐसी लैंग्वेज आप नहीं लिखते वहाँ, क्योंकि आप वहाँ पर फॉर्मली लिख रहे हैं।
तो जब हम फॉर्मली लिखते हैं तो फॉर्मली लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी बातों को कम शब्दों में सटीक शब्दों का प्रयोग करें, सटीक भाषा का प्रयोग करें, हम अपनी बात को रखें रिक्वेस्ट करते हुए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं उदाहरण लूं कि एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है और अपने पिताजी को पत्र लिखता है कि उसे 15,000 रुपये या 20,000 रुपये की ज़रूरत है, और जब वो पत्र लिखता है तो उसमें सिर्फ ये दो लाइन ही लिखता कि पिताजी मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे भेज दीजिए और मुझे अपनी फीस जमा करनी है। जब वो पिताजी को पत्र लिखता है तो ये दो बातें कहीं कोने में लिखी होती हैं पूरे पत्र के अंदर। तमाम बातें करने के बाद, हालचाल से लेकर के और हॉस्टल लाइफ की बात करते हुए और मम्मी की बात करते हुए और घर वालों की बात करते हुए, एक किसी कोने में ये मैसेज होता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और वो मुझे भेज दीजिए आप। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग, जहाँ आप पे बाउंड्रीज नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में यू हैव बाउंड्रीज, वहाँ आपके पास बाउंड्रीज होती हैं, वहाँ आपके पास लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट्स के हिसाब से आपको चलना होता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के दरमियान यही फर्क है। इस फर्क को आपको समझना है कि जब हम फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं तो हम कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं तो हम शब्दों को अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। साथियों, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि वहाँ आपको कम शब्दों में अपनी बात को रखना होता है और अपनी बात को समझाना भी होता है। इनफॉर्मल राइटिंग वर्ड्स शुड बी शॉर्ट एंड ऑन पॉइंट, यस टू द पॉइंट। प्रियंक बिल्कुल सही, कामिनी बिल्कुल सही, टू द पॉइंट हमें बात करनी होती है, और टू द पॉइंट हम बात उसमें करते हैं। जब हम टू द पॉइंट बात करते हैं तब बड़ा मुश्किल होता है अपनी बात को दूसरे के साथ रखना और उसको कन्विंस कर पाना। तो साथियों, ये तो बात रही फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ राइटिंग की। राइटिंग की तीन स्टेजेस होती हैं और उन तीन स्टेजेस को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है यहां पर। एक तो होता है राइटिंग से पहले की स्टेज और एक राइटिंग के बाद की स्टेज, यानी कि प्री राइटिंग, राइटिंग एंड पोस्ट राइटिंग। लिखने से पहले की स्टेज, लिखने की स्टेज और लिखने के बाद की स्टेज। देखिए साथियों, इन तीनों स्टेजेस को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। प्री राइटिंग स्टेज का हम जिक्र करते हैं, जो कि पहला स्टेप है, पहली स्टेज है राइटिंग की। लिखने से पहले हमें रिसर्च करनी होती है। तो प्री राइटिंग बेसिकली एक ऐसी स्टेज है जो रिसर्च की स्टेज है। अब इसमें हमें क्या रिसर्च करना होता है साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है। हमें रिसर्च ये करना होता है कि हम जिस मुद्दे पे अपनी बात रखने जा रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें। अब इंफॉर्मेशन कभी कभी हमें स्वतः अपनी ओर से लिखना होता है, जैसे अगर लेटर लिखना है तो उसमें आपको अपनी बात रखनी है, तो उसमें जो है आपको बाकी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होनी, उसमें तो सिर्फ आपको अपने फीलिंग्स और अपने विचारों को देखना। लेकिन अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, तो आपको उस लेख के बारे में जानकारी लेने के लिए विभिन्न सोर्सेस पर जाकर के उसको देखना होता है, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। व्हाट आर द स्पेसिफिक वर्ड्स विच वी कैन यूज टू मेक आर राइटिंग अट्रैक्टिव। आगे मैं इस पर आऊंगा, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि कौन से वो पावरफुल वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और जिससे आपकी राइटिंग बहुत मजबूत होती है। पहले हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। साथियों, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं जिस पॉइंट पर बात करूं, आपसे दरखास्त है उस समय उसी पॉइंट पर क्वेश्चंस करें, बाकी क्वेश्चंस आप बाद में पूछ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि स्टेजेस की। पहली स्टेज है जहां पर आपको इंफॉर्मेशन को डिफरेंट रिसोर्सेस के जरिए गैदर करना है। देखिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करने का माध्यम केवल किताबें नहीं है। आज के टाइम में आप देखें, गूगल भी है,
गूगल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप ले सकते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बुक्स आपके पास हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको मदद कर सकते हैं डिफरेंट इश्यूज पे। तो इस तरीके से आप जगह जगह से मैटर को कलेक्ट कीजिए और उस मैटर को आप इकट्ठा कीजिए जितना भी इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए साथी, एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब मैटर को आप गैदर करते हैं, व्हेन यू कलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, उस वक्त आप उसके सीक्वेंसिंग पे, उसकी ऑर्गेनाइजिंग पे ध्यान मत दीजिए। मैटर को कलेक्ट करते चले जाइए, जहां से भी मैटर मिल रहा है लाते चले जाइए, इकट्ठा कर लीजिए मैटर जितना कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पे ज्यादा मैटर होगा तब आप बड़े आसानी से ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको उसमें से क्या सेलेक्ट करना है। देखिए, सिलेक्शन वहीं पॉसिबल है जहां आपके पास मटेरियल ज्यादा हो। अगर मटेरियल ही ज्यादा नहीं होगा तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो मटेरियल जितना आप कलेक्ट कर सकते हैं, यू कलेक्ट इट। तो प्री स्टेज जो है, हमारी जो पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, उसमें हमें रिसर्च करना होता है। और साथियों, रिसर्च बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। उसके बाद राइटिंग। अब आप क्या करेंगे, जब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, तो सर वाई दीज स्टेजेस आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम केवल एक या दो पुस्तक से जो चीज़ मिल जाती है हम उसी को अपना आइडियल मानकर काम करने लग जाते हैं। मैं यहाँ यही बताना चाह रहा हूँ, स्टेजेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अभी जब सारी स्टेजेस आप जान लेंगे तो आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। कई बार क्या होता है, हम पत्र लिखते हैं और सीधे भेज देते हैं, उसकी एडिटिंग भी नहीं करते, उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं करते, उसके एरर्स को नहीं देखते। ये तीनों स्टेजेस हमें पता भी होती हैं लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। तो साथियों, पहली चीज तो यह है कि आप मैटर को कलेक्ट कीजिए, जितना ज्यादा मैटर आपके पास कलेक्शन के तौर पे आएगा आप उतना आसानी के साथ उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। अब उसको ब्यूटीफाई कैसे करेंगे वो बात अलग है, उसको हम करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले स्टेजेस को हम समझ लें। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेज आती है राइटिंग की। अब हम लिखना शुरू करें, हमारे पास जितना भी मटीरियल है उस मटीरियल को हम ऑर्गेनाइज करें, सिस्टमेटाइज करें, और सिस्टमेटाइज करके उसका एक ऑर्डर बना के, उसका एक सीक्वेंस बना के। कई बार क्या होता है, अंशी आपने ये सवाल किया था, तो कई बार क्या होता है अंशी कि हम विचारों को लिखते चले जाते हैं और उसकी सीक्वेंसिंग पे ध्यान नहीं देते, और जब सीक्वेंसिंग पे ध्यान नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। इंफॉर्मेशन नोज नो बाउंड सर, यस बिल्कुल, देयर इज टू मच टू कलेक्ट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास आपको कितना लिखना है उसके हिसाब से ये लिमिट डिसाइड होगी, और आपके पास वक्त कितना है उसके हिसाब से। यू कैन कीप सर्चिंग मोर एंड मोर थिंग्स ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन लिमिट आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कितना कहना है। जितना कहना है उसके हिसाब से रिसर्च, और जितना टाइम है उसके हिसाब से रिसर्च। अदरवाइज आप एक टॉपिक पे तमाम बातें कर सकते हैं। तो साथियों, अब उसको जो कलेक्टेड मटेरियल है उसको सेलेक्ट करके उसको एक सीक्वेंसिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन दें आप, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें। और मैं ये बात बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। कौन सा विचार किस वक्त उपयुक्त होगा, कौन सी बात किस वक्त लिखी जाएगी। शब्दों की जो बात है, जो आकिब ने क्वेश्चन किया शब्दों की बात, उसमें मैं आऊंगा कि कैसे शब्द होने चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम स्टेजेस पे गौर करें। तो सेकंड स्टेज में हम सीक्वेंसिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थॉट ये करेंगे। देन हमारी थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज बेसिकली इंटरप्रिटेशन और एडिटिंग की स्टेज है। तीसरी स्टेज में जब हमने विचारों को लिख लिया एक सीक्वेंसिंग करके, एक ऑर्डर करके, अब हम थर्ड स्टेज में एंटर करते हैं, दैट इज पोस्ट राइटिंग। उसमें हमें ये देखना है कि हमने जो विचार एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में रखे हैं, वो वाकई सही ऑर्डर में है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें पंक्चुएशन, ग्रामर, जो आपने शब्द लिखे हैं उनकी सूटेबिलिटी, वो शब्द उपयुक्त हैं या नहीं। कई बार क्या होता है साथियों, ग्रामर सही होती है लेकिन शब्द उपयुक्त नहीं होते। शब्दों का उपयुक्त होना भी जरूरी है, अगर शब्द उपयुक्त नहीं होंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। शब्दों का बहुत बड़ा किरदार होता है। मैं आपको इसके उदाहरण दूंगा अभी शब्दों,
बल्कि अभी हम बात कर लेते हैं, अब ये स्टेजेस लास्ट स्टेज है, इसमें हम मैंने बताया आपको एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, शब्दों की सूटेबिलिटी, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वी नीड टू पिकअप ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स जब आप, मैंने जो आपको कहा ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट को, सिस्टमेटाइज करना है, सीक्वेंसिंग करनी है, तो उसमें ये सभी बातें आ जाती हैं। सीक्वेंसिंग आप ऑर्गेनाइज करने के बाद, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसको एक शेप में लाएंगे, जितना आपको चाहिए उतना लाएंगे, फिर थर्ड स्टेज में आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, देखेंगे कि वो प्रॉपर सीक्वेंस में है या नहीं, एंड देन आप एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, ग्रामर, सूटेबिलिटी ऑफ वर्ड, सूटेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें चेक करेंगे। साथ ही हम शब्दों की बात कर रहे थे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं और ये आप सबके बहुत काम आने वाला है, बहुत जल्दी मैंने सोचा है, क्योंकि मेरे काफ़ी मित्र इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे आप इंग्लिश की क्लासेस जो हैं वो लेनी चाहिए, और इंग्लिश मुझे बेसिकली जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है वो आप लोगों के बीच लानी चाहिए, जिससे कि आप लोग कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। तो वो हम करेंगे क्लासेस, लाइफ स्किल्स का ये चैप्टर क्लोज होने के बाद। साथ ही कोई आपसे कहता है कि विल यू, कोई क्वेश्चन करता है विल यू कम टू मी टुमारो, तो आपके पास आप कहते हैं आई विल कम, आई विल कम, पहला आंसर। आप कहते हैं आई विल कम, लेकिन जब आप मुझसे क्वेश्चन कहते हैं तो मैं कहता हूं आई एम कमिंग। देखिए फर्क क्या है दोनों में, दोनों फ्यूचर में इस्तेमाल हो रहे हैं। व्हेन आई से आई एम कमिंग, इसका मतलब मैं फ्यूचर को स्टैम्प कर रहा हूं, सर्टिफाई कर रहा हूं, ये फर्क आ जाता है। जब हम कहते हैं यस आई वुड, तो हम विल प्लस डिजायर, विल प्लस डिजायर इक्वल्स टू वुड हो जाता है। देखिए शब्दों से ये असर पड़ता है, लाइक और लव में डिफरेंस है। जहां आपने लव वर्ड यूज कर दिया, आई लव डूइंग इट, आप वहां अपना पैशन शो कर रहे हैं। जब वहां कहते हैं आई लाइक डूइंग इट, आप उसको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, करना अच्छा लगता है आपको, बट वो आपका जुनून पैशन नहीं है। शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है। जहां तक शब्दों की बात है, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, साथियों मैंने जब सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको कहा था लेखन बिना सहजता के अधूरा, यहां से शुरू करी थी वो एक कविता जो सुनाई थी मैंने आपको, बिना सहजता के अधूरा, लेखन सहजता के बिना अधूरा है। यानी कि आपके जो शब्द हैं वो साधारण होने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लिखें, क्योंकि जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लिखते हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्रिएट होती है। शब्दों की संख्या कम हो सेंटेंसेस में, और शब्द वो प्रयोग हों जिनकी जानकारी लोगों, आप टफ वर्ड्स लिखते चले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। बट सर वी रिप्लाई इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड। हाँ आप ग्रामर वाला पार्ट पूछ रहे हैं बिकॉज यू आर अ टीचर ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन आखिर शायद आप यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने विल में क्वेश्चन पूछा तो आंसर विल में क्यों नहीं आया। ये तकलीफ की बात है आखिर कि अभी जो टेंसेस पढ़ाने का, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा आप सभी लोग, लेकिन टेंसेस पढ़ाने का जो अंदाज है और ये टेंसेस जिस तरीके से पढ़ाए जाते हैं वो वे नहीं है टेंसेस पढ़ाने का। माय डियर, केवल विल और शैल से फ्यूचर नहीं बना होता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में उसकी ग्रामर और उसका इंटेंशन और उसका एक्सप्रेशन भी चेक करना होता है। शब्दों से ज़्यादा पावरफुल उसके एक्सप्रेशन होते हैं। तो जब मैं कहता हूँ आई एम कमिंग, इसका मतलब उस क्वेश्चन के आंसर में विल यू कम टुमारो, तो इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर टेंस वही यूज कर रहा हूं लेकिन मैं विल शैल लगा रहा हूं, यह जरूरी नहीं है। विल लगाऊंगा मीनिंग कुछ और हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज करूंगा मीनिंग कुछ और हो जाएगा। अंजलि ने लिखा यस सर वी वुड लाइक टू अटेंड इंग्लिश स्पोकन सेशन टू। अब अंजलि ने देखिए जैसे यहां लिखा है वी वुड लाइक टू, अब अंजलि ये भी लिख सकती थी वी विल लाइक टू, लेकिन इन्होंने वुड लिखा है। वुड इसलिए लिखा है क्योंकि वुड मींस विल प्लस डिजायर। यस सर स्ट्रांगली अग्री। मुशर्रफ आपने तो काफी
सेशंस हमारे अटेंड किए, यू हैव बीन माय स्टूडेंट, बहुत सारे सेशंस मेरे अटेंड किए इंग्लिश के, तो इंग्लिश में या लैंग्वेज में ये ज़रूरी है समझना कि आप किस बात को किस ढंग से किस वे में रखते हैं। टेंसेज में केवल विल शैल नहीं है फ्यूचर में, अब ये इंग्लिश हो जाएगा सेशन, इंग्लिश का हो जाएगा, तो हम जब इंग्लिश का सेशन कभी करेंगे तो मैं उसके बारे में आपको सिलसिलेवार बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा, तो वो बातें हम बाद में करेंगे, अभी क्योंकि इंग्लिश का सेशन नहीं है। लेकिन हाँ, शब्दों की हम बात कर रहे थे, वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स हैं वो सेलेक्ट करने चाहिए केयरफुली। मैंने कहा एक तो आप क्या करेंगे, सेंटेंसेस छोटे छोटे लिखेंगे, शब्द जो असर डाल, क्योंकि मैं कमजोर हूं, अभी देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, आई कैन नॉट रन बिकॉज आई एम वीक, आई कैन नॉट रन बिकॉज ऑफ वीकनेस, मैं ये भी कह सकता था कि बीइंग वीक आई कैन नॉट रन। तो जब हम कनेक्टर्स का यूज करते हैं तो सेंटेंसेस बड़े हो जाते हैं, छोटे सेंटेंसेस अंडरस्टैंडिंग को अच्छा क्रिएट करते हैं। साथियों, हर राइटिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी होता है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कभी लिखते हैं कुछ तो उसका उद्देश्य ना बोलें, उद्देश्य जरूर बखान करें, उसके बारे में जरूर बताएं, और जिस चीज को आप लिख रहे हैं उसका अर्थ भी जरूर बताएं, उसका अर्थ और उसका ऑब्जेक्टिव, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है राइटिंग। और अगर आप किसी प्रॉब्लम पे लिख रहे हैं, समस्या पे लिख रहे हैं, तो उस समस्या के अगेंस्ट कुछ सजेशंस अगर आपको लगता है जरूरत है तो वो जरूर दें। जब भी आप लिखते हैं आपका इंट्रोडक्शन अलग दिखाई देना चाहिए, आपका कंक्लूजन अलग दिखाई देना चाहिए, डिस्कशन अलग दिखाई देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आप उसमें हेडिंग डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप हेडिंग्स के साथ भी लिख सकते हैं, बगैर हेडिंग्स के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन अलग दिखाई देना चाहिए, कंक्लूजन अलग दिखाई देना चाहिए, और जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो अलग दिखाई देना चाहिए। तो जब भी आप लिखते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें, बिगिनिंग और एंडिंग, अल्फा एंड ओमेगा ऑफ एनी काइंड ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप शुरुआत कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी शुरुआत जो है वो मोमेंटम को सेट करती है, और शुरुआत में ही आपको ऑब्जेक्टिव लाइन क्लियर करना है कि आप किसी चीज को जब लिख रहे हो, किसी चीज के बारे में लिख रहे हो, देन व्हाई यू आर राइटिंग इट, क्यों लिख रहे हैं आप, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लिखना चाहते हैं वो जरूर लिखें, उसका एम ऑब्जेक्टिव जरूर मेंशन करें, और एंड में जब लास्ट में आप लेटर के केस में या तो रिक्वेस्ट करेंगे या सजेशन देंगे या आप नटशेल में अपनी बात को रखेंगे, जो आपने पहले कहा उसको समराइज कर देंगे, दीज आर दी वेज, ये जरूरी है। इज एम एंड ऑब्जेक्टिव बोथ आर डिफरेंट, एम ऑब्जेक्टिव एक ही बात है, या तो आप एम कह दीजिए उसे या ऑब्जेक्टिव कह दीजिए, आपका एम ऑफ राइटिंग या ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग इट्स द सेम, तो उसको आप लिखेंगे वहां पर और वो आपको मेंशन करना होता है। राइटिंग में बहुत जरूरी है कि आप अपने उद्देश्य को जरूर बताएं, आप इंट्रोडक्शन में अपना उद्देश्य जरूर रखें, और आप जिस बात को कह रहे हैं उसका अर्थ, देखिए अर्थ क्या है, कई बार हम शाब्दिक अर्थ के साथ जाते हैं, कई बार शाब्दिक अर्थ के साथ नहीं जाते। जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं, मान लीजिए पॉल्यूशन पे आप लिख रहे हैं, तो वहां तो आपको उसका शाब्दिक अर्थ भी देना पड़ सकता है, शाब्दिक अर्थ देना होगा, उसकी डेफिनेशन देनी होगी। लेकिन किसी को अगर आप पत्र लिख रहे हैं किसी वजह से, मान लीजिए आप लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लिखते हैं कि बिजली बहुत जा रही है, उसके बारे में पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पर जो है आप फिर ये नहीं बताने वाले कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ देंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस नेचर पे लिख रहे हैं, किस थीम पे लिख रहे हैं, किस बात को कह रहे हैं, तो अर्थ जो है वो बदल जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, सिचुएशन के हिसाब से अर्थ बनेगा। तो अर्थ, आप जो बात कह रहे हैं उसका अर्थ दे, वहां अर्थ ये है कि बिजली इतनी देर जा रही है और इससे ये नुकसान हो रहे हैं, ये बातें तमाम। तो साथियों, अर्थ और साथ साथ मैंने क्या कहा आपसे, बेहद जरूरी बात क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव, एम, लिखने का एम जरूर मेंशन करें, आप क्यों वो पत्र लिख रहे हैं, आप वो क्यों आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, ये जरूर दें। और ब्यूटीफाई करने के लिए, राइटिंग में दम पैदा करने के लिए, आप क्रिएटिविटी को एम्फसाइज करें, आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं बात को एक्सप्लेन करने के लिए, आप आर्टिकल की शुरुआत में कोटेशन दे सकते हैं, कोटेशन से शुरू कर सकते हैं,
आज का सेशन मैंने कुछ पंक्तियों से शुरू किया था, आप कविता के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं अपनी लेखन की, लेकिन ये सब ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आपका राइटिंग का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको एक पेज लिखना है प्रोज में और पता लगा आधा पेज आपने पोएट्री में लिख दिया, तो वो राइटिंग इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। आप कोई शेर लिख सकते हैं, आप कुछ स्लोगन लिख सकते हैं, आप किसी व्यक्ति का कोई कथन लिख सकते हैं, स्कॉलर्स का कथन लिख सकते हैं, इस तरीके से कहानी किस्से, ये तमाम चीजें आप जोड़ सकते हैं। सर इफ वी यूज सिंपल वर्ड्स देन विल इट लुक अट्रैक्टिव? यस नेहा, बिल्कुल। व्हाट डू यू मीन बाय अट्रैक्शन? अट्रैक्शन से आपका क्या मुराद है? आपने टफ वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद किसी के समझ में नहीं आया, तो उसको आप इफेक्टिव राइटिंग कहोगे क्या? नहीं कहोगे। ये बात अलग है कि आपकी रीडर्स बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छा नॉलेज है उनको, तो आप टफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, समझ में आती है बात। अट्रैक्शन कहां से पैदा होता है? लैंग्वेज में ब्यूटिफिकेशन कहां से पैदा होता है? बात को रखने का ढंग, बात को कहने का ढंग, यहां से ब्यूटिफिकेशन पैदा होता है। आप शब्दों को कैसे बयां, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसका उदाहरण देता हूं। कल का जब सेशन शुरू हुआ था तो मैंने शुरुआत में कहा था, एंगर को डिफाइन किया था। आप अगर एंगर के डेफिनेशन ढूंढेंगे गूगल पे तो आपको भारी भरकम डेफिनेशंस मिलेंगी। और मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी, एंगर इज डेंजर, एंगर इज डेंजर। नेहा आप बताइए यहां पर कौन से टफ वर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं? डेंजर भी सिंपल वर्ड है, एंगर की तो मैं बात ही कर रहा हूं। तो जब मैं एंगर इज डेंजर बोलता हूं तो यहां टफ वर्ड्स यूज हो रहे हैं क्या? यहां सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन इसका असर देखिए आप, इसका असर देखिए आप। प्रेजेंटेशन मैटर करता है, आप कैसे प्रेजेंटेशन करें यह मैटर करता है। मैंने एक बात और कही थी, वो भी याद दिलाता हूं। मैंने कहा था लोभ क्रोध को पैदा करता है, लोभ क्रोध को लाता है, लोभ क्रोध। ये टफ वर्ड्स हैं? बिल्कुल नहीं। पत्र में जब आप लिखते हैं आई एम फाइन एंड होप द सेम फॉर यू, और उसकी जगह आप लिखते हैं आई एम फाइन एंड होप दैट यू विल बी सेलिंग इन द सेम बोट, आप भी उसी नाव में सवारी कर रहे होंगे, मुझे भी ऐसा लगता है। तो यहां कोई टफ वर्ड्स यूज किया आपने? ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, आप व्यक्त कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्त कर शब्द अगर टफ है, ठीक है, टफ शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि रीडर्स को समझ में आएंगे या नहीं आएंगे। भाषा लैंग्वेज हमेशा जिस व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी नॉलेज, उसका लेवल, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी प्रोफिशिएंसी, उसके डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से होने चाहिए। सिंपल शब्दों के माध्यम से भी आप अपनी बात को इफेक्टिवली रख सकते हैं। नेहा इफ यू रिमेंबर, आई डोंट नो वो सेशन आपने अटेंड किया है नहीं, जब साथियों याद दिला रहा हूं, आप शायद आप में से कई लोग तो सारे सेशंस में रहे हैं, जब मुझसे सवाल किया गया एक इंटरव्यू में, व्हाई टीचिंग, टीचिंग क्यों, तो मैं वहां एक लंबा चौड़ा भाषण दे सकता था और बड़े बड़े टफ वर्ड्स यूज कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनसे बहुत सिंपल वे में अपनी बात को कहा। मुझे मालूम था कि यहां एक सेंटेंस से काम नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का है कि इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा में भी मुझे कम शब्दों में इंप्रेस करना है, और सिंपल वर्ड्स का एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने कहा आई डोंट लाइक टीचिंग बिकॉज आई लव इट एंड देयर इज नथिंग आफ्टर लव। यहां साथियों मैंने कनेक्टर्स यूज किए, लेकिन क्योंकि मुझे एक ही लाइन में इसका जवाब देना था, इसलिए मैंने कहा आई डोंट लाइक, यू रिमेंबर? यस नेहा, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। शब्दों में
जान होती है उस जान को यूज करो। एक सिंपल वर्ड भी बहुत ताकत से भरा हुआ वर्ड होता है, उसे उसके कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या वर्ड यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंटेशन, अब ये अलंकार होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ये किस लिए यूज होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। तुलनात्मक जरिए से जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, वहां भी तो हम एक स्पार्क क्रिएट करते हैं ना राइटिंग। टफ वर्ड्स आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा जब भी लिखे व्यक्ति विशेष के अनुसार रीडर्स को माइंड में रख करके लिखे। कम शब्दों में भी आप बहुत अच्छा कह सकते हैं। वर्ड्स कैन बी लाइक एक्सरेज इफ वी यूज देम प्रॉपरली, दे विल गो थ्रू एनीथिंग। यस दीपक, बिल्कुल सही कहा आपने, शब्द एक्सरे की तरह होते हैं। मेन बात यह कि आप जो लिख रहे हैं वो टच करना चाहिए बस। टच क्या, टफ वर्ड्स टच कर देंगे आपको? नहीं, आप जिस भावना से आप लिख रहे हैं वो भावना रीडर्स के दिल में जानी चाहिए। मैं जो कविता आपको सुना रहा था अपनी रचित शुरुआत में, शब्दों का संगीत दिल के तार बजाए, शब्दों का संगीत दिल के तार बजाए, दिल में एक उमंग और तरंग को ले आए, खिलखिलाते शब्द जब खनखन करते तभी हम उसको लेखन है कहते। शब्द खिलखिलाते हुए होने चाहिए, शब्दों में खनक होनी चाहिए। शब्दों की खनक लोगों को प्रभावित करती है, वो इफेक्टिविटी क्रिएट करती है, ना कि शब्दों का टफ होना। टफ वर्ड्स, बॉम्बास्टिक वर्ड्स यूज ना करें, सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में बातों को कहें, ये जरूरी है। मुशर्रफ, आपने लिखा था फिर ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आप हो शीतल हुए। बिल्कुल यही लैंग्वेज का सबसे बड़ा नियम है, वाणी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को प्रभावित करे, और प्रभावित वही करेगी जो लोगों के समझ में आए। जो समझ में नहीं आएगा वो प्रभावित कैसे कर देगा? अब सोचिए, अगर कोई पत्र आपने लिखा या कुछ भी आपने लिखा, उसमें 10-12 वर्ड्स ऐसे लिख दिए जिसका मीनिंग पता नहीं है। मान लीजिए मुझको लिखा, मुझे मालूम नहीं है उसका मीनिंग, मैं पहले डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढूं, तो जो इमोशन मुझे क्रिएट करना था या जो इमोशन मेरे माइंड में आ जाना चाहिए था फर्स्ट इंप्रेशन पे, तो गायब हो गया, बनेगा ही नहीं वो मीनिंग ढूंढने के बाद। मीनिंग ढूंढने के बाद तो मेरा मिजाज ही कुछ और हो जाएगा, कुछ और ही मिजाज हो जाएगा। तो जो इंप्रेशन मुझे क्रिएट करना था वो क्रिएट नहीं हो पाया। इसलिए शब्दों में सरलता और सहजता बहुत जरूरी होती है, उनका प्रेजेंटेशन। अब देखिए, ये बात बड़ी आसानी से, इतना आसान नहीं, इसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको, आप ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आप उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। ये हिम्मत, ये ताकत, ये कॉन्फिडेंस, ये वे ऑफ राइटिंग, ये स्किल कैसे डेवलप होगी आपके अंदर, इसके लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। वो सारी बातें मैं आपसे यहां पर कर रहा हूं सिलसिलेवार। अब हम एक्चुअल में उसी पे फोकस कर रहे हैं कि राइटिंग में वो धार, वो चमक कैसे पैदा करें, कैसे हमारा लेखन जो है वो इंप्रेसिव हो, इफेक्टिव हो। देखिए साथियों, जो भाषा पढ़ाते हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, किसी भी भाषा को पढ़ाते हैं, वहां एक बात पे बहुत जोर दिया जाता है। और अगर आपको नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूं जानकारी के लिए, LSRW अप्रोच। अगर आपको राइटिंग अच्छा करना है तो यहां पे LSR को समझना पड़ेगा। ये LSR क्या है? लिसनिंग, स्पीक एंड रीडिंग। राइटिंग के लिए लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीक। अब ये जो मैंने अभी जैसे कहा कि एंगर इज डेंजर,
ये जो शैलियां हैं, स्टाइल्स हैं लिखने के, आसान शब्दों के माध्यम से, कम शब्दों के माध्यम से अपनी बात को सरलता, सहजता, सुगमता के साथ कहना और लोगों को प्रभावित करना। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, बिहारी। कम शब्दों में अपनी बात को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रखना और सहजता, सरलता और सुगमता को फ्रंट में रख के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो साथियों, हमारे अंदर डिफरेंट स्टाइल्स कैसे डेवलप होंगे, ये लिखने का ढंग कैसे आएगा, स्किल कैसे डेवलप होगी, इसके लिए सबसे पहला जो मंत्र है वो यही है कि आप रीडिंग और स्पीकिंग, इस पर ध्यान दें। रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा एंगर इज डेंजर, अब इसको आपने सुना तो अब कभी भी अगर आप एंगर के ऊपर कुछ बात कहना चाहेंगे तो आप इसको, इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ये बड़ा इफेक्टिव स्टेटमेंट है जो आपके काम आ सकता है राइटिंग में। तो लिसनिंग से मिला ना ये आपको स्टाइल, ये लिसनिंग से वे ऑफ राइटिंग मिला ना आपको। लोभ क्रोध को मैंने कनेक्ट किया, ये लिसनिंग से मिला ना आपको। तो जब आप ज्यादा पढ़ते हैं, अपने अल्फाजों से भर दो अपने जज्बात, ना समझ भी समझेगा आपकी बात। अरे क्या पाठ दीपक साहब, मजा आ गया, वेल डन, मजा आ गया। अपने अल्फाजों से अपने जज्बातों को भर दो आप, फिर वो भी समझेगा जो ना समझ है। बहुत खूब, बहुत खूब दीपक भाई, बहुत खूब, मजा आ गया। तो यही इंपॉर्टेंट है कि जब आप ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा आप जानने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके राइटिंग में डेवलप हो जाएगा, आ जाएगा, आपका लिखने का ढंग बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये आर्ट आपके अंदर डेवलप होने लग जाएगी। तो रीडिंग बढ़ाएं, स्पीकिंग, अब स्पीकिंग क्या है, स्पीकिंग तो हम करते ही, उसके बगैर रह नहीं सकते, लेकिन स्पीकिंग विद पर्पज, हम कितनी मर्तबा विद पर्पज स्पीकिंग करते हैं, स्पीकिंग फॉर राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग फॉर स्पीकिंग करते हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक एट, इस पर आपको ध्यान देना। तो अपने राइटिंग में धार चमक पैदा करने के लिए, अपनी राइटिंग को इफेक्टिविटी की तरफ ले जाने के लिए, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा सुनें, सेलेक्टिव लिस्टिंग करें, उन विषयों पर सुनें